Everyone, I am super excited to present you another DIY series of this video. इस वीडियो में हम लोग अपने अंडर स्टेयरकेस एरिया का मेकओवर करेंगे. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा अंडर स्टेयरकेस एरिया है और यहाँ की दीवारें काफ़ी डैम्प हैं और इस डैम्पनेस को छुपाने के लिए हमें कुछ करना था. तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं. यहाँ की वॉल में मैंने ड्रिल मशीन से काफ़ी छेद कर लिए हैं ताकि यहाँ का सरफेस रफ़ किया जा सके. तो इस वॉल्स में हम लोग टाइल्स के साथ ग्रास की, आर्टिफिशियल ग्रास की इंटरलॉकिंग करेंगे. तो देखते हैं उसका प्रोसीजर क्या है. इसके लिए मैंने एक आर्टिफिशियल ग्रास की शीट ली है जो मुझे लगभग 550 रुपये की पड़ी है. इसको 1 इंच की स्ट्रिप में हम लोग कई पीसेस काट लेंगे. अब इसको टाइल्स स्कर्ट के ऊपर से हम लोग एक ग्लू आता है SR505, उसकी मदद से इसको चिपकाएंगे. ये एक रबर एडहेसिव होता है जो कि आर्टिफिशियल ग्रास को स्टिक करने के काम आता है. अब इन वॉल्स पे लगाने के लिए मैंने स्टोन क्लैडिंग डिज़ाइन वाली टाइल्स चूज़ की है. इन टाइल्स को लगभग 4 से 5 घंटे आप पानी में भिगो कर रखें. इन टाइल्स को लगाने के लिए आप टाइल एडहेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं. मैंने जेके सीमेंट का एक टाइल मैक्स करके टाइल एडहेसिव आता है उसका यूज़ किया है. आप इसका मिक्सचर बना लीजिए और साथ में अगर आपकी वॉल डैम्प हैं तो डॉक्टर फिक्सिट का पेडिक्रीट URP301 उसमें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं. इससे आपके वॉल डैम्प वॉल की वाटरप्रूफिंग भी अच्छी हो जाएगी. अब आप टाइल्स ले आइए और टाइल्स पे स्पेस स्प्रेड करके टाइल्स को वॉल पे स्टिक कर दीजिए. बीच बीच में, टाइल्स के बीच में आप जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल ग्रास की स्ट्रिप काटी थी उसको SR505 की हेल्प से स्टिक करते जाइए और उसके बाद टाइल्स एक एक करके लगाते जाइए. क्योंकि हम लोग टाइल्स के बीच में ग्रास इंटरलॉक कर रहे हैं तो टाइल्स के बीच के गैप की हमें टेंशन नहीं रहेगी कि गैप कम या ज़्यादा हो रहा है. वाटर टैप आ रहा है उसको मेजर करके टाइल्स को कट करना पड़ेगा. ये हमारे पास टाइल कटर है. इसमें जो ब्लेड लगता है वो टाइल्स के लिए लगता है. उससे आसानी से हम लोग टाइल्स को जैसा मर्जी चाहें वैसा काट सकते हैं. हर एक टाइल के चारों तरफ आर्टिफिशियल ग्रास की इंटरलॉकिंग करते जाएं.
लास्ट में थोड़ी जो जगह बच रही है उसको मेजर करके हमें टाइल काटना पड़ेगा। फ्रेंड्स, टाइल्स काटना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसे आसानी से आप टाइल कटर की मदद से काट सकते हैं। इस आर्टिफिशियल ग्रास को आप जहाँ कहीं भी गैप छूट रहा है तो आसानी से टुकड़ों में भी लगा सकते हैं। टाइल्स लगाने के बाद उसे हल्के हाथों से टैप करें ताकि अच्छे से वो सेट हो जाए। SR505 रबर एडहेसिव आप टाइल्स पे भी और ग्रास पे भी और वॉल पे तीनों जगह लगाएं ताकि ग्रास अच्छे से बाइंड हो सके। टाइल लगाने से पहले आप वॉल पे थोड़ा सा पानी भी स्प्रे कर सकते हैं ताकि टाइल्स अच्छे से बाइंड हो सके। फ्रेंड्स, आखिरी टाइल्स लगाने के पहले मैंने एक वायरिंग इसकी कर दी है। यहाँ पर वायर्स के कई बंडल डाल दिए हैं ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पे LED लाइट मिरर या फिर प्रोफाइल लाइट या फिर फोकस लाइट लगा सकें।
तो एक वायर हमने यहाँ बीच में दे दिया है, एक वायर यहाँ पर दे दिया है प्रोफाइल लाइट के लिए, एक यहाँ पर प्रोफाइल लाइट के लिए, और ये वायर मैंने अंडर स्टेयर केस के नीचे यहाँ पर बोर्ड बना दूंगा और यहाँ पे ये हाइड हो जाएगी। और इस वायर को छुपाने के लिए भी आर्टिफिशियल ग्रास का यूज़ किया है, इसी के अंदर वायर दब जाएगा। और ऊपर की साइड में भी आर्टिफिशियल ग्रास की एक स्ट्रिप चल जाएगी जिससे वायरिंग हमारी पूरी हाइड हो जाएगी। तो इस ग्रास से देखिए वायरिंग हमारी हाइड हो चुकी है, अब ये दिख नहीं रही है, ऐसे ही ग्रास पूरी ऊपर की स्ट्रिप में चलेगी। ये देखिए वायरिंग हमारी पूरी छिप गई है। अब लास्ट टाइल भी मेजर करके हम लोग कट कर लेंगे और इसको लगा देंगे। तो ये हमारे टाइल्स ऊपर के भी लग चुके हैं और जहाँ जहाँ गैप था वहाँ पर ग्रास लगा दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। और इस ग्रास से हमारी वायरिंग भी हाइड हो गई है और ये आखिरी गैप में भी हम लोग ग्रास लगा देंगे। तो ये हमारा टाइल वर्क कंप्लीट हो चुका है विद आर्टिफिशियल ग्रास इंटरलॉकिंग। अब हम यहाँ पर एक अपना वॉश बेसिन लगाएंगे जो ये टैप दिया हुआ है। ये वॉश बेसिन MDF बोर्ड और वॉश बेसिन कॉम्बिनेशन में है जो कि एक स्टोरेज स्पेस भी देता है और आपका वॉश बेसिन का भी काम करता है। इस वॉश बेसिन को हमें वॉल से फिक्स करना होगा, इसके पीछे लगी हुई स्ट्रिप को ड्रिल करके इससे फिक्स करेंगे। तो स्क्रूज से ये वॉश बेसिन हमारा टाइल्स से टाइट हो गया है। अब ये PVC की ड्रेन होज हम लोग नीचे ड्रेन में कनेक्ट कर देंगे और अब बेसिन में टैप को कनेक्ट कर लेंगे। टैप को कनेक्ट करने से पहले बेसिन के नीचे लोअर एरिया में हम लोग वाइट सीमेंट लगा देंगे ताकि टैप अच्छे से कनेक्ट हो सके और ऊपर से जो पानी जाए वो नीचे लीक ना करे। अब जो वॉश बेसिन की ड्रेन वाली जाली है उसको भी कनेक्ट करेंगे। पहले वाइट सीमेंट लगा के फिर इसके ऊपर हम लोग जाली फिट करेंगे और नीचे से नट टाइट करेंगे।
वाइट सीमेंट हमें वॉश बेसिन में भी लगाना है और जाली के नीचे भी लगाना है। इससे हमारा सूखने के बाद पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। अब होस को हमारे वाटर टैप से वॉश बेसिन के टैप को कनेक्ट कर देंगे। मेक श्योर आप इसमें वॉशर ज़रूर लगाएं, जो कि रबर पैकिंग होती है। अब टैप ऑन हो चुका है और देखिए वाटर सप्लाई आने लगी है। आप लीकेज चेक कर लें, कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। अब वॉश बेसिन की ड्रेन होस कनेक्ट करेंगे। एक्स्ट्रा जितनी भी होज होगी वो हम लोग कट कर लेंगे, ताकि ड्रेन होज में बिल्कुल भी किंकिंग ना हो। और बस इसे डायरेक्ट आप स्क्रू कर सकते हैं। अब ये देखिए ड्रेन से पाइप होते हुए हमारे ड्रेन में जा रहा है। अब हमारा वॉश बेसिन कनेक्ट हो चुका है और पूरा ऑपरेशनल हो चुका है। अब हम इस एरिया को अच्छा एम्बियंस देने के लिए LED प्रोफाइल लाइट का यूज़ करेंगे, और इसके लिए मैंने चूज़ की है 2835 240L वाली LED लाइट, जो कि 240 LED बल्ब्स होंगे एक मीटर में। इससे काफ़ी अच्छी लाइट आएगी। और ये वार्म वाइट हम लोग चूज़ करेंगे, जो हल्का सा येलोइश फील देगी। इसके साथ आपको एक एल्युमिनियम सेक्शन भी लेना पड़ेगा, जो इसके नाप का आता है, और इसमें आप आसानी से इसको फिट कर सकते हैं। LED का टेप हटाते जाइए और ये इसमें चिपकती जाएगी। इस स्ट्रिप में एक कट करने का निशान लगा रहता है, वहाँ से आप इसको सीजर से काट सकते हैं। अब इसको हमें ऐसी जगह प्लेस करना पड़ेगा जिससे इसकी रोशनी डायरेक्ट हमारी आँखों पर ना पड़े और हमें इसकी रोशनी से पूरा एरिया भी कवर हो जाए। अब जहाँ आपको इसको लगाना है उस एरिया को स्क्रैच कर लें, बॉन्डटाइट का मिक्सचर बना लें, और इस बॉन्डटाइट की हेल्प से इसको आप उस जगह चिपका सकते हैं, और फिर किसी पिन के सहारे इसे होल्ड करें और ये सूखने पे एकदम टाइट हो जाएगी। बॉन्डटाइट को आप एल्युमिनियम स्ट्रिप के पीछे अच्छे से लगा लें और उस वॉल पे भी लगा लें जहाँ पर इसे लगाना है, और इसको चिपका दें और किसी पिन की मदद से इसको होल्ड करें। LED के साथ इसका अडेप्टर भी आता है, जो कि 220 वोल्ट AC को 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। इस अडेप्टर को आप कनेक्ट कर लें वायर में, और इस अडेप्टर से फिर LED को कनेक्ट कर दें। अभी फ़िलहाल मैंने इस LED को एक टेम्परेरी स्विच से कनेक्ट कर दिया है, और इस स्विच के कनेक्शंस हमने कर चुके हैं, और इसके ऑन ऑफ करते ही हमारी LED ऑन हो जाएगी। बाद में इसको मैं बोर्ड बना के टेम्परेरी से परमानेंट कर दूँगा। तो ये देखिए हमने ऑन कर दिया है, हमारी LED जल गई है, हमारी आंखों के सामने भी नहीं पड़ रही है, और ये एम्बियंस लाइट का लुक आ चुका है, और हमारा स्पेस काफ़ी खूबसूरत स्पेस में कन्वर्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, इस स्पेस को गार्डन लुक देने के लिए आप एक एरिका पाम प्लांट भी प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ दिस सेटअप इज़ अराउंड 11,000 रुपीज़। So I hope you would have liked this video, and if you have liked this video, please like, share and subscribe to my channel Running Full Ahead. Thank you.